हेलो दोस्तों, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई क्रेटा 2022 के बारे में। जी हाँ, कुछ स्पाइड तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 2022 हुंडई क्रेटा कैसे दिखने वाली है, कौन से फीचर्स ऐड होने वाले हैं, कौन से इंजन ऑफर किए जाएंगे और क्या कुछ नया होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रंट लुक दिखाता हूँ, जो कि स्पाइड तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंट स्टाइल आपको यहाँ पे हुंडई क्रेटा का दिख रहा है, जिसमें ये बड़ी ग्रिल आपको नजर आ रही है और जो लाइट की प्लेसिंग आप देखें तो वो ऊपर DRL से और लाइट की प्लेसिंग नीचे दी गई है। ऑलरेडी जैसे क्रेटा में अभी हाल फिलहाल में भी जो हेडलाइट की प्लेसिंग है वो नीचे की गई है, उसी तरह से दिख रही है। लेकिन जो ये लुक है, आपको बता दूं जो न्यू जनरेशन ट्यूसॉन आई है, ये सेम उसका लुक है। जैसे कि मैं आपको ट्यूसॉन का भी, जो हाल फिलहाल में लॉन्च हो चुकी है, उसका वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लुक वाइज 2022 क्रेटा दिखने वाली है ट्यूसॉन जैसी। हालांकि ट्यूसॉन जो है वो साइज में क्रेटा से बड़ी और चौड़ी है, उस लिहाज से क्रेटा थोड़ी छोटी होगी। यानी जो अभी मौजूदा डायमेंशन है, सिर्फ उसी सेम डायमेंशन में क्रेटा आएगी, लेकिन उसका लुक, आगे की जो डिज़ाइन है वो सारी बदल दी जाएगी और वो कुछ इस तरह से दिखेगी। फ्रंट में मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रिल आपको इस तरह से मिलेगी। बोनट की डिज़ाइन थोड़ी सी इसमें चेंज होगी, बम्पर की डिज़ाइन चेंज होगी, यानी ओवरऑल जो फ्रंट होगा वो पूरा फ्रेश लुक होगा, बिल्कुल जिस तरह से ये आपको ट्यूसॉन दिख रही है। वहीं साइड के लुक की अगर हम बात करें तो साइड में बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस की उम्मीद नहीं की जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जो इसकी एलॉय व्हील्स है वो एक डिफरेंट स्टाइल की नज़र आएगी। वहीं अगर हम बैक से इस कार की बात करें तो स्पाइड तस्वीरों में अभी तक इसका जो बैक का पोर्शन है वो देखने को नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि जिस तरह से हुंडई ट्यूसॉन का जो लुक, सिग्नेचर लुक होता है, जिस तरह से हुंडई कैरी करता है अपनी ज़्यादातर गाड़ियों में, उसी तरह से इसका बैक भी जो है वो हुंडई ट्यूसॉन जैसा आपको दिख रहा है, वैसा ही क्रेटा का होने वाला है। लेकिन ज़रूर है कि कुछ चेंजेस होगी और हुंडई ट्यूसॉन एक 5-सीटर में प्रीमियम SUV है, उस लिहाज से जो क्रेटा है उसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की जाएगी, लेकिन जो लुक होगा वो कहीं ना कहीं एक हुंडई ट्यूसॉन की ही तरह आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको सामने देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको बता दूं, क्रेटा ऑलरेडी काफ़ी फीचर लोडेड SUV है और इसीलिए इंडिया में इतनी ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि इसमें आपको बड़ा टच स्क्रीन मिल जाता है, विद ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिल जाती है, टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एयर प्योरीफायर मिल जाता है और ऐसे तमाम सेफ्टी फीचर्स भी हैं जो आपको क्रेटा में ऑलरेडी मिलते हैं। लेकिन 2022 क्रेटा में क्या नया मिलेगा वो मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुई हुंडई अल्काज़ार में जो कुछ चेंजेस हमें देखने को, एड ऑन फीचर्स मिले हैं, वो आपको 2022 क्रेटा में ज़रूर ऐड कर दिए जाएंगे टॉप वेरिएंट्स में। जैसे कि आपको 60 मोर फीचर्स ब्लू लिंक में कनेक्टेड कार में ऐड कर दिए गए हैं, वो सारे फीचर्स अल्काज़ार वाले हुंडई क्रेटा 2022 में भी कैरी होंगे। इसके अलावा आपको इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा और जो सबसे खास बात है कि जो आपको ट्यूसॉन में भी देखने को मिल रही है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा वो पूरी तरह से डिजिटल मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलेगा कि जैसे ही आप इंडिकेटर अपनी कार का ऑन करेंगे, चाहे वो लेफ्ट राइट हो, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे उसका कैमरा एक्टिव हो जाएगा और आपको ब्लाइंड स्पॉट दिखने लगेगा अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। वहीं अगर हम इंजन की बात करें तो यही जो सेम इंजन अभी हुंडई क्रेटा में मौजूदा चल रहा है, वही सेम इंजन कंटिन्यू किया जाएगा, जो आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। उसके अलावा 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन मिलता है और इसके अलावा 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको ज़्यादातर मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शंस में मिलते हैं। ये सारे इंजन्स वही सेम कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये लॉन्च कब होगी। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, 2022 क्रेटा, लेकिन 2022 में ये लगभग मिड तक क्रेटा लॉन्च होगी, क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी क्रेटा की काफ़ी डिमांड है और बुकिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा, अभी भी वेटिंग पीरियड क्रेटा के कई मॉडल्स पे अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको भी लग रहा होगा कि हुंडई क्रेटा अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, काफ़ी अपडेटेड है, काफ़ी फीचर लोडेड है, काफ़ी बुकिंग्स भी मिल रही है, फिर क्या ज़रूरत पड़ गई हुंडई को न्यू क्रेटा लाने की।
तो मैं आपको बता दूं कि हुंडई और ज्यादातर कंपनियों को अब ये समझ में आ गया है कि अगर उन्हें डिमांड में बने रहना है तो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को हर साल दो साल पे अपग्रेड करना पड़ेगा, और इसीलिए हुंडई विदेशों में अपनी क्रेटा 2022 को ऑलरेडी टेस्ट करना शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज़ करेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेगा।